आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्टीवेबल फिनफिश एंड सेलफिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास हमने देखा था न्यूट्रिशंस के बारे में कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी फिश के लिए, कि हम कौन सा इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट का करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होना चाहिए, ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि फिश में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जैसे कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट है जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, जो भी है, इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन सा न्यूट्रिएंट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और कौन न्यूट्रिएंट किस न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करने से इकोनॉमिकली फिजेबल्स होगा, या फिर बोल सकते हैं कि हम जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फिश जो होता है उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है 10 to 30 times लोअर होता है एज कम्पेयर टू अदर मैनल्स, बिकॉज दे आर द इक्टोथर्म्स। इक्टोथर्म दैट मीन्स द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू अदर्स मैमल्स, बिकॉज द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज सिमिलर टू बॉडी टेम्परेचर, सो दे कैन नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस एनर्जी फॉर द बॉडी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। वन सेकेंड वन इज द अम्यूनोटेलिक्स। अम्यूनोटेलिक्स दैट मीन्स द फॉर्मेशंस ऑफ यूरिया, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। बट अदर मैमल्स की बात कीजिएगा तो वो यूरिया का सिंथेसिस करता है, दैट यूरिया इज सिंथेसाइज द पाथवे फ्रॉम अमोनिया टू यूरिया, दैट रिक्वायर्स द मोर एनर्जी। एंड फिश के केस में क्या है कि अमोनिया रिलीज करता है तो वहाँ पे कंपेरेटिवली लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया आफ्टर द अमोनिया फॉर्मेशन। सो द अमोनिया से यूरिया बनने का जो पाथवे है उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, सो एज कम्पेयर टू मैमल्स यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर कम खर्च होता है फॉर द एक्सक्रीशंस। एंड लास्ट वन इज द बॉयंसी। द बॉयंसी एनर्जी, तो फिश अगर वाटर में बॉन्स कर रही है तो वहाँ पे भी एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है। तो ये सब रीजंस है जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम होता है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है। फिश टिश्यू की बात कीजिएगा तो जनरली टिश्यू जो होता है 65 to 70% प्रोटीन्स ऑन द टोटल ड्राई वेट के बेसिस पे कंटेंट करता है, और रिक्वायरमेंट्स ऑन एन एवरेज 25 to 40%, मे बी सम स्पेसिस 50%, 45%, और सम 25 से लेस भी होता है, बट ऑन एन एवरेज की बात कीजिएगा 25 to 40 होगा। और लिपिड्स 4 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 20 to 30%, एंड विटामिन एंड मिनरल 1 to 2%। इसके अलावा भी अदर एडिटिव्स वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं, केमो अटैक्टेंट्स भी यूज करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स भी यूज करते हैं, बट वो लेस देन 1% होता है। और ओवरऑल ये है, बट अलग अलग स्पेसीज का अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होगा, अलग अलग न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शंस होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट की बात कीजिएगा तो जिसमें आता है हमारा प्रोटीन्स, एंड ये फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ऑन जनरल फंक्शंस की बात कीजिएगा, एक तो टिश्यू बिल्डिंग्स होता है, सेकेंड वन इज द मेंटेनेंस के लिए, यानी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो है या फिर फिजियोलॉजी कल मेटाबॉलिक रेगुलेशंस जो हो रहा है उसको मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट्स होता है। एनर्जी सप्लाई जस्ट लाइक द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मे द ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर मेंटेनेंस द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड द अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अदर ट्रेस एनिमल्स जो होता है जनरली सम ट्रेस एनिमल्स या फिर बोल सकते हैं विटामिन वगैरह जो है कोएंजाइम्स का फंक्शन करता है, और बहुत सारा बायोकेमिकल सिस्टम्स जो है में सहायक होता है। प्रोटीन की बात कीजिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, एंड और ये रिक्वायरमेंट जो है वेरी करता है स्पेसीज टू स्पेसीज, और जनरली जो होता है कार्निवोरस में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओमनीवोर एंड द कार्निवोर्स। एंड ऑल्सो द एज इज द यंगर एनिमल टू सपोर्ट द मोर रैपिड ग्रोथ्स। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे लार्वा एंड प्राइन एंड जुवेनाइल स्टेज की तो उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोर होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। और ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो जनरली 5 to 10% ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है एडल्ट से, ठीक है। बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन, ऑन द सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन के सोर्स होगा उसको भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल के एक सोर्स हो सकता है, सोयाबीन मिल्क का सोर्स हो सकता है, और ये सब जो प्रोटीन्स की बात बोल रहे हैं ये क्वालिटी पर भी डिपेंड्स करता है, ठीक है ना।
अब डिफरेंट स्पेसीज का सम डाटा अवेलेबल है यहाँ पे, देख सकते हैं कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसीज की बात कीजिएगा तो वेरी कर रहा है, और ये डिपेंड्स कर रहा है कि कौन सा सोर्सेज को यूज करके एज ए प्रोटीन उन्होंने फीड फॉर्मुलेशन किया है। और फिर उन्होंने बताया कि सेप्टिनस स्कॉर्पियो के स्पॉन फ्राई एंड फिंगर लिंग में 45% लगता है प्रोटीन अगर वो कैसीन का यूज कर रहा है, बट इन द केस ऑफ फिश मील 54%। तो ये जो प्रोटीन सोर्सेस जो है वेरी कर रहा है, तो इससे इसकी क्वालिटी चेंज हो जा रही है जिसके कारण प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। लेबियर ऑयल फ्राई की बात कीजिएगा तो 45 एज ए प्रोटीन सोर्स कैसीन, फ्राई की बात कीजिएगा फिश मील ग्राउंड नट बॉयल के एज ए प्रोटीन सोर्स 40%, कतला में बात कीजिएगा 47% कैसीन एंड जिलेटिन एज ए प्रोटीन सोर्स, कतला फिंगरलिंग में 40% एज ए कैसीन जिलेटिन फिंगरलिंग। यहाँ पे देख लीजिए स्टेज के कारण वेरी हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है उसके कारण वेरी हो रहा है, जैसे पिनियस मोडोन का 40%। अब आप श्रिंप के केस की बात कीजिएगा तो श्रिंप में देखिएगा कि श्रिंप के केस में या फिर कार्निवोरस स्पीशीज में प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम है एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस एंड द किंगफिशेस। उसके बाद है प्रोटीन कंटेंट करता है एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड कहने का मतलब है कि द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज द अमीनो एसिड दैट इज द एसेंशियल अमीनो एसिड सप्लीमेंटेड थ्रू किसके डाइट के थ्रू। तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो फिश के ग्रोथ के लिए, अदर मेंटेनेंस के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं ऊर्जा के लिए और इंपॉर्टेंस होता है। तो यदि सपोज दैट डाइट्स में अगर वो फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है तो ग्रोथ को भी हैम्पर करेगा, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी, डिजीज को भी। समटाइम्स अगर प्रोटीन अमीनो एसिड की क्वालिटी अफेक्टेड अच्छी नहीं है, क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है या फिर जो फुलफिलमेंट है वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसमें ग्रोथ को क्या करेगा, रिटार्ड करता है, कलर डिसकलर्स हो सकता है और अदर फिजियोलॉजिकल डाइजेशन जो प्रोसेस अदर जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो सब का सब डिस्टर्ब होने लगता है। तो जब हम फीड फॉर्मुलेशंस करते हैं या फिर जब हम कोई इंग्रेडिएंट का सिलेक्शंस करते हैं फॉर फीड फॉर्मुलेशंस के लिए, तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट का प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट देखते हैं, फिर अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग देखते हैं, फिर ये पता करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड की डिफिशियंट है या फिर कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम अमीनो एसिड का भी सप्लीमेंट कर देते हैं। इन द केस ऑफ फिश टायरोसिन एंड सिस्टीन आर द सेमी एसेंशियल बिकॉज टायरोसिन सिंथेसाइज फ्रॉम फिनाइलएलानिन और सिस्टीन सिंथेसाइज फ्रॉम मिथियोनिन। ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, उसका क्लासिफिकेशन है पोलर एलिफेटिक एलानिन सिस्टीन ग्लाइसिन वैलिन, ये पोलर अनचार्ज ग्रुप्स है, ये थायरोसिन सेरीन है। और यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड की बात कीजिए पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडिन है। एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात कीजिएगा नेगेटिवली चार्ज एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है फिनाइलएलानिन टायरोसिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये समटाइम्स आस्किंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इन व्हिच वन ऑफ द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, दिस इज फिनाइलएलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन इज द एरोमेटिक सिस्टीन एंड मेथियोनिन एज द सल्फर कंटेनिंग। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की बात कीजिएगा बायोकेमिस्ट्री में अपन हम डिस्कस किए थे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स एंड द सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी की बात कीजिएगा, तो जो जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है जो अमीनो एसिड का दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि द चेन ऑफ जो अमीनो एसिड का द चेन है वो कैसा है, उसका फोल्डिंग हो जाता है, दैट फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी। द ओवरऑल बोल सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी की बात कीजिएगा तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये है डिफरेंट स्पीसीज का, यहाँ पे एक रिपोर्टेड से यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रोटीन रिक्वायरमेंट 35-46% होता है इंडियन टाइगर प्रॉन्स का। इंडियन व्हाइट श्रिम्प्स की बात कीजिएगा तो 30-42%, पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प्स का 25-20%। और इस कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट्स में यहाँ पे देखिए डिफरेंट अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट्स कितना कितना है, देख लीजिए यहाँ पे आर्जिनिन 3.71, लाइसिन का 3.16। तो इसके हिसाब से ये भी हम पता कर सकते हैं कौन सा अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे अमीनो एसिड सोर्सेस की बात कीजिएगा तो ये भी डिफरेंट प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स पे भी डिपेंड्स करता है। जब हम फॉर्मुलेशंस करते हैं फीड फॉर्मुलेशंस तो उसमें सफिशियंट लेवल में इंग्रेडिएंट में एसेंशियल अमीनो एसिड की अवेलेबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं, और ये भी देखते हैं कि किस टाइप्स का फिश इसको यूटिलाइज कर रहा है, अगर हर्बीवोर है या कार्निवोर है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग उसमें ये भी देखते हैं कि वो सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट क्या है, प्लांट सोर्सेस है या फिर एनिमल सोर्सेस है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग ऐड करते हैं या फिर हम लोग नहीं ऐड करते हैं। प्रोटीन एनर्जी रेशियो, प्रोटीन एनर्जी रेशियो कहने का मतलब है कि प्रोटीन और एनर्जी के रेशियो को मेंटेन करना होता है ड्यूरिंग द फीड फॉर्मुलेशन। यदि सपोज दैट इफ द एनर्जी इनटेक इज एडेक्वेट्स सो एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम प्रोटीन सोर्स, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जैसे प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट की बात कीजिएगा
फीस के केस में यदि सपोज दैट हम एनर्जी लेवल अगर कम है या फिर एनर्जी डाइट्स में कम है या फिर फीस को एनर्जी का सब में सप्लाई कम हो रहा है, तो वो प्रोटीन से एनर्जी ड्रॉ करके अपना यूटिलाइजेशन शुरू कर देता है अपने बॉडी के फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। बट इन द केस ऑफ यदि एक्सेस प्रोटीन अगर नहीं देते हैं, तो जो हमारा कहने का मतलब है कि अगर सपोज दैट एक्सेस एनर्जी होगा, अगर हम एक्सेस एनर्जी डाइट प्रोवाइड करते हैं तो लिपिड का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है कि प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होना चाहिए एज ए ग्रोथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट जितना है वो तो है, साथ ही साथ जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको भी मेंटेन करते हैं। यदि एनर्जी का रिक्वायरमेंट मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रोटीन को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करेगा। सो द एनर्जी एंड प्रोटीन रेशियो को मेंटेन करते हैं, और ये भी डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड उसके फिजियोलॉजिकल स्टेटस और एज पे भी डिपेंड्स करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप सिल्वर बार में देखेगा 84.5 है प्रोटीन एनर्जी रेशियो, कॉमन कार्प में 108 है, तिलापिया में 103 है, मांगुर में 87.6 है, रेनबो ट्राउट में 92.105 है। ये भी देख लीजिए, कतला में फिंगरलिंग में 97.3 है, बट इन प्रोटीन परसेंटेज क्या है, 40%, और 109 है अगर प्रोटीन परसेंट 45.8 है। तो रोहू का 103 है, तो ये वेरी करता है उसके एज पर और स्पेसिस पर भी वेरी करेगा। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है, लिपिड की बात कीजिएगा, तो लिपिड सोर्स जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स, सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइजेशन होता है। इसके और भी है, जैसे कि मान लीजिए फॉस्फोलिपिड्स है, या फिर स्फिंगोमाइलिनसिन है, स्ट्रॉल है, वैक्सेस है, तो ये सबका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। जैसे कि समवेयर यूजिंग एज ए हार्मोन सिंथेसिस, समवेयर एज ए प्रोटेक्टिंग ऑर्गेन, जैसे ब्रेन में स्फिंगोमाइलिन्स का है, फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और बायोमेम्ब्रेन्स में वर्क करता है, जैसे वैक्स का यूज होता है, जैसे एनर्जी स्टोरेज इन इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड द सम एनिमल कंपोनेंट, और समवेयर सिंथेसाइज विटामिन फ्रॉम द फैट सोर्सेस, विटामिन के एंड द नेचुरल सिंथेटिक। डाइट्री लिपिड्स जो होता है उसके फ्लेवर और टेक्सचर्स को भी अफेक्ट करता है। सो जब हम फीड प्रिपरेशन करते हैं तो लिपिड को भी केयरफुली हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग टू उसमें हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड जो होता है नेचुरली अकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अनब्रांच हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स। इसमें क्या है कि अनब्रांच हाइड्रोकार्बन साइड चेन होगा, बट एक साइड्स में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा। तो इसके दो एंड्स है, वन तो मिथाइल ग्रुप है, अनदर इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो फैटी एसिड होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो फिश की ग्रोथ के लिए या फिर ओवुलेशंस के लिए या फिर हम बोल सकते हैं हैचिंग के लिए या फिर गोनेडल डेवलपमेंट्स के लिए या फिर लार्वा सर्वाइबिलिटी के लिए। तो ये जो फैटी एसिड होता है इसके डिफरेंट क्लासेस हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड होगा, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो अनसैचुरेटेड होगा। तो जो डबल बॉन्डेड होगा उसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कहने का मतलब है कि बहुत सारा डबल बॉन्ड्स होगा, जैसे ईपीए डीएचए की बात करेंगे, आर्किडोनिक एसिड की बात करेंगे तो उसको हम लोग हुफा बोलते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 से ज्यादा है, 5 है, यहाँ पे देख लीजिए 6 डबल बॉन्ड्स है, यानी इसको डीएचए बोलते हैं, इसको ईपीए बोलते हैं, और ये लिनोलेनिक एसिड्स होता है। तो इसमें दो है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, यानी मिथाइल ग्रुप साइड से यदि थर्ड पे है तो ओमेगा 3, यहाँ पे थर्ड पे तो ओमेगा 3, यहाँ पे थर्ड पे तो ओमेगा 3, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 6 पे है तो ओमेगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 है यहाँ, तो ये भी ओमेगा 6 होगा। तो जब भी हम नंबरिंग करते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 का, तो ये ध्यान रखते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप साइड से होगा। फ्रेश वाटर की बात कीजिएगा, तो फ्रेश वाटर में ईपीए डीएचए लिनोलेनिक और लिनोलेइक एसिड्स, ये तो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, बट यदि हम C18 यानी लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड दे देते हैं तो वो सिंथेसाइज कर लेता है ईपीए डीएचए और आर्किडोनिक एसिड्स, बिकॉज दे कंटेन द डेल्टा 5 डेल्टा 6 डीसैचुरेटेड एंजाइम। बट इन द केस ऑफ मेराइन फिशेस दे डज नॉट कंटेन डेल्टा 5 डेल्टा 6 डीसैचुरेटेड एंजाइम। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे ईपीए डीएचए का भी सप्लीमेंट करना पड़ता है, सिर्फ लिनोलेनिक और लिनोलेइक एसिड के सप्लीमेंट करने से डीएचए ईपीए का सिंथेसाइज नहीं हो पाता, क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डेल्टा 5 डेल्टा 6 डीसैचुरेस एंजाइम्स। ये डिफरेंट फैटी एसिड्स है, यहाँ पे C0 देने का मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड है, यहाँ पे C14 है, यानी 14 कार्बन का है, ये 16 कार्बन का है, 18 कार्बन का है, 20 कार्बन का है।
लिपिड रिक्वायरमेंट की बात कीजिएगा, जैसे प्रोटीन में हम बात किए थे कि 25 to 40 होता है, तो लिपिड रिक्वायरमेंट 4 to 15% होता है जनरली, बट ऑप्टिमम की बात कीजिएगा तो 7 to 9% है जनरली, और दे कंटेंट पुफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 और EPA DHA ये सारे के सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, और ये ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द फिश एंड प्रॉन दोनों को अफेक्ट करता है। फॉस्फोलिपिड्स भी है, लिपिड्स का ही पार्ट्स है, लिपिड्स ही है, लिपिड का ही क्लास है, तो उसको उसका भी कहीं कहीं पे नीड होता है, हम लोग सप्लीमेंट करते हैं जनरली। इन द केस ऑफ श्रिम्प्स दे रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ डाइट ऑफ प्रॉन्स, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को देते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, तो कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड जनरली होता है 0.5 से लेस में होता है। और फॉस्फोलिपिड्स की बात कीजिएगा तो फॉस्फोलिपिड जनरली 4% के आसपास रिक्वायर्ड होता है मेराइन श्रिम्प्स में, और 4% कम भी होता है जनरली, 2% ही होता है, बट सम केसेस द रिक्वायर्ड। अब अदर गोनेडल मैचुरेशंस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, गोनेडल मैचुरेशंस में भी फैटी एसिड्स का अगर डिफिशियंसी हो रही है लिपिड्स का, तो वहां पे मैचुरेशन गोनेडल मैचुरेशन डिले हो सकता है, या फिर हैचिंग में, या फिर सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द लार्वा में भी इफेक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली 20 to 30% होता है, और ये जनरली एज ए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, और ये प्लेटिंग बाइंडिंग बाइंडर का फॉर्म्स में एज ए हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर होता भी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का जब फिर फॉर्मुलेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या कर वो क्या होता है कि एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, बट एज ए बाइंडर भी वो काम में आता है। तो जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है वो एज ए प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट्स भी काम करता है, यानी कहने का मतलब कि स्पेयर का काम करता है, कि जैसे कि हम प्रोटीन अगर हम कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हैं तो प्रोटीन के यूटिलाइजेशन कम कर सकते हैं, एज ए एनर्जी सोर्स हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो उससे क्या हुआ कि हमारा चीपर है, कार्बोहाइड्रेट सस्ता है और प्रोटीन क्या है कॉस्टली है, तो लिपिड का भी हम लोग एज ए प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। ये मोनोसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड्स, जैसे स्टार्च की बात कीजिएगा तो पॉलीसेक्राइड्स है, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन्स का बना होता है, और सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, जानते भी हैं आप लोग, एज ए रिलेटिवली चीप सोर्स ऑफ द एनर्जी, मोर हम स्पेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, एज ए बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। सो इससे क्या होता है कि फीड की स्टेबिलिटी जो होता है इंक्रीज किया जाती है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी इंक्रीज किया जाती है, और समटाइम्स जो होता है हम स्टार्च वगैरह या पॉलीसेक्राइड का यूज करते हैं तो वहाँ पे नॉन डाइजेस्टेबल या डाइजेबिलिटी कम होती है, तो इसको इम्प्रूव करते हैं थ्रू द एंजाइमेटिक सप्लीमेंटेशन या फिर जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। विटामिन मिनरल्स की बात कीजिएगा तो वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, बिकॉज ये ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ में हेल्प करता है, ये बॉडी में स्लोली सिंथेसाइज होता है या फिर नहीं भी होता है, तो जनरली ये ट्रेस अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है, वेरी लेस 1 to 2%, और जो इसमें दो टाइप्स का है, एक तो फैट सोल्युबल विटामिन है, दूसरा वाटर सोल्युबल विटामिन है। फैट सोल्युबल विटामिन के ADEK होता है, विटामिन बी एंड सी इज द वाटर सोल्युबल विटामिन, तो फैट सोल्युबल विटामिन जो है जनरली हार्मोन्स वगैरह या फिर अदर फंक्शंस में काम होता है, पर वाटर सोल्युबल विटामिन समवेयर इन द कोएंजाइम्स और सम एक्टिवेटर्स के फॉर्म्स में काम होता है, ये डिफरेंट इसका एक्टिव फॉर्म्स है, याद रखिएगा इसका नाम सिर्फ, और 1 or 2 फंक्शंस भी है, जैसे विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में काम होता है, विटामिन सी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में, मेंटेनेंस कोलेजन मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और ऑक्सीडेंट्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स में। विटामिन ए की बात कीजिएगा तो रेटिनॉल, लो स्टेबिलिटी लाइट फंक्शन एंड विजन, जीन ट्रांसक्रिप्शन इनमें फंक्शन आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कीजिएगा तो ये कोएंजाइम्स के रूप में, जैसे B1 है, थायमिन पाइरोफॉस्फेट है, राइबोफ्लाविन है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स है, निकोटिनामाइड एमाइड NAD और NADP, पैराडॉक्सिन्स है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट है, पेंथोनोनिक एसिड कोएंजाइम्स है। तो ये डिफरेंट्स जो बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्म्स है ये कोएंजाइम्स के रूप में काम करता है, कोएंजाइम्स से होता है, ये हेल्प करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। ये विटामिन का रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट स्पीसीज का ये अवेलेबल है डाटा। मिनरल्स की बात कीजिएगा तो मिनरल्स भी यही है, वेरी लो अमाउंट्स में है ये, तो इसका जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो फुलफिल होता है थ्रू द आइदर द डाइट और अदर थ्रू द वाटर, गिल और स्किन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है फिश, और बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये एज ए और सम हियर द मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड स्केलेटन में काम करता है। सी वाटर में ये एसेंशियल सोर्स ऑफ द मिनरल एक्सेप्ट फॉर द फॉस्फोरस एंड आयरन। तो मिनरल आर नेचुरली अवेलेबल फॉर द फ्रेश वाटर्स,
जैसे कि आइदर हम सप्लीमेंटेड फॉर्मुलेटेड फॉर फ्रेश वाटर स्पीसीज और मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द अदर मेरेन स्पीसीज। और 20 इनऑर्गेनिक मिनरल्स रिक्वायरमेंट है। मेजर्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स की बात कीजिएगा तो मेजर एलिमेंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एलोंग विद द ट्रेस एलिमेंट्स कार्ब, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड वैनेडियम। सबका स्पेसिफिक फंक्शंस डिटेल में एक एक दो दो करके तो ध्यान रखना पड़ेगा किसका क्या फंक्शंस है, अलग से एक चार्ट बना के वो हम दिखाएंगे आप लोगों को। फंक्शंस की बात कीजिएगा तो जनरली क्या होता है कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स या फिर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट्स को मेंटेन करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी एंड इंडो एस्कोस्केलेटन नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम्स में भी ये कंपोनेंट्स ऑफ द एंजाइम ब्लड पिगमेंटेशन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व मेटाबॉलिक प्रोसेस एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर द बोन फॉर्मेशंस कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट ऑन द ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल फंक्शनिंग और फॉस्फोरस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सो तो ओवरऑल व्यू हो गया ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का कितना कितना क्या रिक्वायरमेंट होगा। समवेयर जैसे प्रोटीन का आपने देखा है कि 25-40 होता है, लिपिड का 7-15% होता है, विटामिन मिनरल्स की बात कीजिएगा तो 1-2% होता है, फैटी एसिड्स में भी जनरली 1-2% ही यूज करते हैं और अदर से जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है तो वो सब जगह नहीं रिक्वायरमेंट होता है। जनरली क्रस्टेशियंस के केस में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज द कोलेस्ट्रॉल्स। ओके।